सरकारी विभागों की खुली पोल, सचिवालय में आग से सवाल, कर्मचारियों की जान से खिलवाड़। गर्मी बढ़ने के साथ साथ प्रदेश में आग लगने की घटनाएं तो बढ़ती ही जा रही हैं, लेकिन सेक्रेटरिएट में लगी आग ने खुलासा कर दिया अफसरों के उस रवैये का जिसका शिकार जनता हर रोज होती है। दरअसल सचिवालय में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। हालांकि आग से ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन एक सवाल कर्मचारियों की कार्यशैली पर खड़ा हो गया कि क्यों सालों से इलेक्ट्रिकल पैनल्स का मेंटेनेंस वक्त पर नहीं होता। सचिवालय SSO बिल्डिंग में आज शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे कर्मचारियों में अफरा तफरी फैल गई। अचानक सचिवालय के सुरक्षा अधिकारी साहब में तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों को बाहर निकलने की हिदायत दी। भले ही सचिवालय की आग बुझ गई हो, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि खतरा टल गया है तो आप गलत हैं, क्योंकि सचिवालय में ऐसे सैकड़ों कारण हैं जो यहां बड़े हादसे को कभी भी हवा दे सकते हैं। मसलन मंत्रालय भवन के बेसमेंट में कबाड़ भरा हुआ है। इस कबाड़ से बिल्डिंग ओवरलोडेड है, जिसके कारण अब कबाड़ को एंट्री गेट के पीछे रखा जाने लगा है। जहां अब कबाड़ रखा जा रहा है, वहीं पर बिजली के ट्रांसफार्मर और AC लगे हुए हैं। ऐसे हालात में कभी भी एक चिंगारी या शॉर्ट सर्किट एक बड़े हादसे का रूप ले सकती है। लेकिन जो खतरा हमें दिख रहा है, वो अभी भी सचिवालय सुरक्षा अधिकारी और रजिस्ट्रार नहीं देख पा रहे हैं। और ऐसा तब है जबकि मंत्रालय भवन में ही सभी मंत्रियों के बैठने के इंतजाम है। इस भीषण लापरवाही के अलावा भी जब जी मीडिया ने बारीकी से खोजबीन शुरू की तो पता चला कि सचिवालय में तो अफसरों और कर्मचारियों की लापरवाही की बेहद लंबी फहरिस्त बन चुकी है। इसी का नमूना है कि सचिवालय कर्मचारी और अधिकारी सुबह 10 बजे दफ्तर पहुंचते हैं, लेकिन AC और पंखे सुबह 8 बजे ही शुरू हो जाते हैं। बेवजह AC चलने से बिजली का लोडेड बढ़ता है। विद्युत विभाग के कर्मचारी मेंटेनेंस करने में भी कोताही बरतते हैं। साथ ही कर्मचारी भी ऑफिस से निकलते वक्त लाइट, पंखा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बंद करने की जहमत उठाते ही नहीं है। हालांकि सचिवालय में आज लगी आग से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन अगर मेंटेनेंस ठीक ठाक नहीं हुआ तो भविष्य में कोई हादसा और हो सकता है। इसी का नतीजा है कि सचिवालय में कई जगह अभी भी कबाड़ खाने बने हुए हैं। मंत्रालय भवन की बात की जाए तो पूरा बेसमेंट कबाड़ से भरा हुआ है। वहीं सचिवालय स्वागत गेट के पास कबाड़ इतना ढेर हो गया है कि कभी भी हादसा हो सकता है। कैमरा पर्सन विकास के साथ भरत तिराज, जी मीडिया।